व्हाट्सअप गाइस। तो यहाँ पर हम देखिए बनाने वाले हैं एक आज कटर, तो वो कटर भाई बहुत ही तगड़ा होने वाला है, उसके आरपीएम भी बहुत तगड़े होंगे। तो यहाँ पर आपको हम सामान दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम एक यूज़ कर रहे हैं एक डीसी 555 मोटर, यहाँ पर एक 555 डीसी मोटर का हम यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही तगड़ी मोटर है भाई, आपको पता है। हम 775 यूज़ कर सकते थे पर भाई बजट नहीं था तो ये ले आए हम पे तो आई नो। यहाँ पर एक हम 5 रुपये वाली टेप यूज़ करेंगे, इस थोड़ी सी टेप यूज़ होगी, आप बार बार यूज़ कर लेना। और एक बटन जो आप अपने बिजली बोर्ड से निकाल सकते हैं। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। और यहाँ पर एक कटर यूज़ करें तो भाई एक कोई चला रहा तो हम उसमें से निकाल कर ले आए। मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ। और साथ में हम यहाँ पर एक डीसी इनका यूज़ करें, ये भी हमने भाई कहीं से पाड़ लिया। तो मतलब सारा सामान कहीं कहीं से पाड़ा हुआ है, बस एक ये हम लेके आए हैं थोड़ा बाजार से, थोड़ी महंगी वाली चीज़ है भाई, इसको ध्यान से देखना थोड़ा सा। जिस दिन 775 का बजट होएगा भाई उस दिन वो वाला बना देंगे, पर आज के लिए यही है। तो भाई यहाँ पर देखो हमने जो कटर है यहाँ पर जो हम इसमें ब्लेड यूज़ करें, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक पीस तैयार किया है ताकि भाई इस मोटर में लग जाए। तो सिंपली इसके हम चारों तरफ लगा देंगे ग्लू गन और अब इसको सिंपल पेस्ट कर देंगे बीचों बीच। तो भाई आपको बिल्कुल बीचों बीच पेस्ट करना है क्योंकि अगर थोड़ा सा भी साइड में होएगा तो ये हिल के चलेगा, ढंग से नहीं चलेगा मतलब। तो ये पेस्ट इसको हम थोड़ी देर रख देते हैं ताकि अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाए। इतने हम मोटर की कटिंग कर लेते हैं और साथ में एक बटन की कटिंग कर लेते हैं। अपने मोटर को चिपकाने के लिए देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर एक बार तैयार किया हमने। तो यहाँ पर देखो एक हमने नीचे एक बीम जैसा लगा दिया कुछ ताकि सपोर्ट मिल जाए मोटर को, ताकि नीचे ना जाए। तो सिंपल इसके ऊपर मोटर ऐसे टिक जाएगी। तो जल्दी से सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, मोटर के ऊपर एक बार इस ब्लेड को हम चिपका लेते हैं। तो इसको चिपकाने के लिए हम इसके ऊपर ग्लू गन लगाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद इसको सिंपली हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे बस। तो हमारा ये जब तक पेस्ट हो रहा है हम यहाँ पर एक बार जल्दी से इसको चिपका देते हैं नीचे की तरफ। तो इसको अब यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे मोटर को। यहाँ पर जैसे ये पेस्ट हो चुकी है तो अब क्या करेंगे, ऊपर से इस ब्लेड को भी निकालना है तो हम एक कट मारेंगे इसके अंदर। तो इसका आप साइज़ ले लेना और उसके हिसाब से इसमें कट मार दीजिए। जैसे कि आपको दिखाया था हमने यहाँ पर मोटर को पेस्ट किया था तो उसके ऊपर हमने टेप भी लगा दिया ताकि थोड़ा और मजबूत हो जाए। और साथ में हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर एक गत्ता को चिपका रहे हैं, जो कार्डबोर्ड होता है उसका पीस हम चिपका रहे हैं ताकि जो यहाँ पर देखिए हम कट मार के इसके ऊपर भाई हमने कट मारा है और साथ में ये ब्लेड यहाँ से बाहर आ चुका है। तो सिंपली अब इसको यहाँ पर चिपका देते हैं और मोटर की वायर का कनेक्शन इसके साथ कर देते हैं। अब ये डीसी इन का है, सिंपल इस डीसी इन में हम कनेक्शन कर देंगे। तो भाई जो 12 वोल्ट वाला डीसी इन का है हम सिंपल इसको लगा देंगे यहाँ पर, सिंपल कनेक्शन है भाई जल्दी से कर देते हैं। तो इसको सिंपल यहाँ पर हम प्लग इन कर देते हैं। तो चला कर दिखाते हैं भाई हम, अभी हमने इसका स्विच ऑन नहीं किया है, स्विच ऑन करते हैं अभी इसका। तो भाई यहाँ पर हम देखो एक लकड़ी की स्टिक दिख रही होगी आपको, तो इसको कट करके देख रहे हैं भाई ये कट हो जाती है इसलिए नहीं। तो अगर इससे कट हो जाती है तो भाई देखते हैं मतलब तगड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा अगर इससे कट होगी तो। तो चलिए जल्दी से इसे काट कर देखते हैं।
भाई आपको एक चीज दिखा देते हैं, जैसे हमारा जो ये है यहाँ से ये टूट गया है, क्या हुआ है? तो मतलब टूटा नहीं है ये, जो यहाँ से हमारी जो हमने यहाँ पर ग्लू लगाई थी भाई वो खुल गई है, तो हमें कोई पक्का जुगाड़ करना पड़ेगा। लेकिन भाई सच बताए तो इसको स्टिक काट दिखाते हैं थोड़ा सा आपको। स्टिक भाई इसने काट दिया है, और इसका फ़ायदा क्या है भाई, हमने पोर्ट लगाने का फ़ायदा ये था कि भाई ये टूटे बाद भी ना तो बाल निकलेगा ना हमें चोट लगेगी, तो इसका ये फ़ायदा है। तो इससे थोड़ी चोट से बचे रहेंगे आप, और स्टिक का हाल आप देख सकते हैं। तो भाई इतनी स्टिक काट दिया इसने, उसके बाद भाई क्या हुआ, हमने ज़्यादा दबाव दे दिया तो ये टूट गया। तो कोई बात नहीं, हम इसको पक्का करेंगे, तो उसके बाद बहुत तगड़ा तरीके चलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।